तो मंत्रियों के विभागों में बंटवारे में हो रही देरी के लिए कई तरह की चर्चाएं हैं, आपसी खींचतान की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सागर के सुर्खी से पूर्व विधायक पारोल साहू ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जो लोग बीजेपी में आए हैं वो पार्टी का हिस्सा बने ना कि हिस्सेदारी के चक्कर में पार्टी के लिए दुविधा बने। पारोल साहू का कहना है कि कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने ये बात कही है और ये कार्यकर्ताओं की भावना है। पोस्ट किया है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होने के नाते और दूसरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बात आ रही है उसको व्यक्त किया है। और मेरा एक ही मानना है, जो लोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको पर्याप्त सम्मान मिल रहा है। और मेरा ये मानना है, भाजपा में आए सभी का स्वागत है, पर निवेदन है कि आप सभी लोग भाजपा का हिस्सा बने, हिस्सेदारी के चक्कर में पार्टी के लिए दुविधा ना बने। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों का मानना है।